YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। ये जो डो है ये एक्चुअली नान का आटा है जो मैंने नान वाले से मंगवाया है। इस आटे से मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाऊंगी आज। कितने पैसे हो गए? 40 रुपए। 10 रुपए देख दे रहे हो, मेहरबानी। ये मैंने पेड़े लिए हैं जी, यहाँ से 4 है, ठीक है। आप इसी तरह किसी भी नान शॉप पर चले जाएं, वहां से 4-5 पेड़े ले जाएं। ये देखें, मैंने नान के आटे के जो ना पेड़े मंगवाए थे उससे मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ आज पिज्जा। तो ये जो डो एक्चुअली हम नान के आटे की इस्तेमाल करेंगे, ये देखें मैंने उनसे मंगवाए थे, वैसे ही मैंने फ्रिज में रख दिए थे। ये हम हाफ लेके उसकी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा आटा सरफेस पे लगा लेंगे, इसकी थोड़ी सी आप हवा जो है निकाल लेंगे। अब हम इसको जरा सा बेल लेंगे। ये देखें, ये हमारा जो है ये हमने कर लिया, इसको बेल लिया। ये देखें, ये मैंने मोल्ड ले लिए। ये सांचे का जो है ये इसको आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना ताकि ये चिपके ना साथ। उसके बाद हम ये इसके ऊपर डालेंगे। जो एक्स्ट्रा इसका होगा वो हम मैं बताती हूँ कैसे एडजस्ट करेंगे। वैसे तो ये अल्लाह का शुक्र है, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था, मुकम्मल पूरा पूरा ही आया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा साइडों से ऐसे खींच के बाहर को कर लेंगे ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छी तरह बैठ जाए। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आज इसमें हम कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें नमक चाहिए होगा कुछ हसबे जायका, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, ये मैंने ली है, पिज्ज़ा सॉस है। उसके अलावा हम चिकन इस्तेमाल करेंगे, ये 250 ग्राम चिकन है। और ये इसका तरीका मैं आपको फौरन क्विकली बताती हूँ। ये हम पिज्जे के लिए चिकन मैरिनेशन करने लगे हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए हमने 250 ग्राम्स जो है ये चिकन लिया। उसके बाद आपने आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ले लेना है। मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया। उसके बाद आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया। आप नमक और मिर्च हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जायका देने के लिए सिरका और सोया सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इसकी मैरिनेशन कैसे करते हैं। ये चिकन ले लिए, उसके बाद इसमें ये नमक डाल दिए मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सिरका लेंगे, थोड़ी सी सोया सॉस लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको हम 30 मिनट्स के लिए अब मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि जायका जो है इसके अंदर चला जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ था हमने उसको 30 मिनट सोख चुके हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे।
पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गया अब इसका, और इसने ऑयल जो है वो लदा छोड़ दिया, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसको बिल्कुल फ्लेम बंद करके इसको हम ठंडा होने देंगे और फिर हम अपना, मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाती हूँ। अब ये इसमें मैंने कुछ शिमला मिर्ची और टमाटर इस्तेमाल करने हैं। शिमला मिर्ची हमने बारीक भी काट लेनी है, और उसके अलावा लंबी हम डेकोरेशन के लिए ऊपर इस्तेमाल करेंगे चीज के। उसके अलावा इसमें हम दो किस्म की चीज इस्तेमाल करेंगे, मोजरेला चीज इस्तेमाल करेंगे और चटर चीज इस्तेमाल करेंगे। मोजरेला चीज जो है वो हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, चटर जो है ये एक्चुअली फैलती है, तो हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और जायका ज्यादा अच्छा करने के लिए चटर चीज भी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा मैंने कुछ कटे हुए प्याज लिए हैं, आप घर में जो भी और भी वेजिटेबल्स हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है पिज्ज़ा बनाएंगे आगे। अब ये देखिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर अपनी पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। मेरे घर में पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा नहीं पसंद की जाती, इसलिए मैं थोड़ी इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छे से फैला लें। इसके बाद इसके ऊपर मोजरेला चीज डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी कुटी हुई मिर्च डाल देंगे यहाँ पे। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा प्याज डाल लेते हैं। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे, मुझे हल्का सा नमक अच्छा लगता है। आप हसबे ज़रूरत अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है नमक के साथ भी। थोड़ा सा चिकन डालते हैं। ये चीज़ गर्मी से जो है ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गई है, मैंने फ्रीजर से निकाल के रखी थी बाहर। ये देखें, अब हमें चीज डाल ली है। इसके बाद हम फिर हल्की सी अपनी मिर्च डालेंगे जो हमने कुटी हुई मिर्च ली है, ताकि ऊपर से फ्लेवर अच्छा रहे इसका। अब फिर जरा सा चिकन डालते हैं ऊपर, क्योंकि हमने अच्छी मिकदार नीचे भी डाल ली है। अब हम इसके ऊपर ये जो लंबी लंबी हमने, अब ये देखें ये शिमला मिर्च हम, ये हमें ऊपर से नजर आएगी जब हमारा, ये मैंने टमाटर भी लंबे लंबे काटे हुए। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको ओवन में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा बनेगा। अब ये देखिए, ये जो ऊपर मैंने शिमला मिर्च और टमाटर डाले हैं, ये पकने के बाद चीज के ऊपर बिल्कुल बैठ जाएंगे और बड़े खूबसूरत जो है नजर आएंगे। ये देखिए, मैंने अपना ओवन पहले प्री हीट कर लिया है, 200 फ़ारेनहाइट पे मैंने इसको प्री हीट किया है, और ये 20 मिनट्स होता रहे गर्म। अब मैं इसमें अपना पिज्ज़ा रखने लगी हूँ। आपने पहले नीचे से हीट देनी है और फिर हम इसको ऊपर से भी हीट देंगे। ये देखिए, अभी इसके डो चेक करने का जो तरीका होता है वो मैं ऐसे चेक करती हूँ कि ये देखें अभी तक नहीं पकी है डो, ये देखें। तो ये अभी हम छोड़ देंगे, तो कुछ देर और पकने देंगे इसको नीचे से। ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी लग रहा है, मैंने ओवन को बंद कर दिया। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत रंग आया है, और चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रखी थी इसमें। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। हमने माशाल्लाह चीज़ बहुत इस्तेमाल की थी, अल्लाह का शुक्र है कि पिज़्ज़े का कलर भी बहुत अच्छा आया है और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी है, बहुत ही यमी लेयर है ऊपर आई हुई चीज़ की। पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।